धीरे। आरा नगर निगम के पूर्व मेयर अवधेश यादव की पत्नी सरिता देवी मेयर प्रत्याशी के द्वारा आज शहर के विभिन्न जगहों पर किया गया जनसंपर्क। जनसंपर्क में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में अवधेश यादव जिंदाबाद, सरिता देवी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं मेयर प्रत्याशी सरिता देवी ने आरा की जनता से अपील किया कि आप मुझे वोट दें, मैं अपने पति अवधेश यादव से अच्छा काम करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो आरा शहर के लिए किया उनके बाद किसी मेयर के द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया है। उनके द्वारा किए गए कार्य को लोग आज तक याद रखते हैं। पूर्व मेयर अवधेश यादव ने कहा कि आज़ादी के बाद जो कार्य मैंने किया है वार्ड में, शहर में या निगम में, मेरे हटने के बाद किसी ने नहीं किया है। जनता जान चुकी है कि इस बार किसे अपना वोट देना है, किसे अपना मेयर चुनना है। धन बल बाहुबल यह नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह आधुनिक युग है। इस युग में लोग जानते हैं कौन अच्छा है, बेहतर है और कौन समाज के लिए कार्य करने के लिए उपयुक्त है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को लोग इस बार चुनेंगे जो सरकार के द्वारा लाए जाए वाली योजनाओं को जनता तक पहुँचाए, जनहित के कार्यों को अच्छे से समझे। वहीं सरकार का फैसला बहुत ही अच्छा है कि इस बार महिला मेयर और डिप्टी मेयर आम जनता के द्वारा चुना जा रहा है। संपर्क अभियान चलाया जा रहा है सरिता देवी के पक्ष में, आप भी पूर्व मेयर रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आज जो चुनाव हो रहा है और मेरा पति सरिता देवी मेयर प्रत्याशी हैं। जोड़ा हिरन 22 नंबर पर है, जोड़ा हिरन मेरा मिला है सिंबल। और ये जो जिस जगह हम लोग घूम रहे हैं यही जगह है जो मेरी जान और शान और मेरी आन है और मेरी पहचान है। यहीं से मैं मेयर बना था। यहाँ के तमाम लोग मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत दिया था और आज भी मेरे साथ प्यार मोहब्बत दे रहा है। और ये लोग एकदम दिल से जुड़े हुए हैं और ये पैगाम पूरे शहर में जाएगा यहाँ से, और ये पैगाम पूरे शहर में जाएगा और विकास का नाम पर हमको जनता वोट देगी। किस तरीके का विकास के नाम पर आप वोट करेंगे? मैं पहले था मेयर तो 25 छठ घाट बनाया, शमशान घाट बनाया, वहाँ दलित के 12 गो बस्ती बनाया, पार्किंग बनाया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, शौचालय का निर्माण किया गया और उस ग्राउंड पर हमको देगी जो बचा हुआ काम है। अभी तो देख रहे हैं कि रोड जो है नाला हो गया है, अब कहीं भी जाइएगा रोड नाला हो गया है, देख रहे हैं स्थिति बदतर हो गई है, बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। और इस मुद्दे पर चुनाव लोग जनता लोग करेगा कि जो छवि का अच्छा आदमी है, पहले जो मेयर रह चुका है, जिसका कार्यकाल देखा है और ईमानदारी देखा है, मैं जब तक था कोई भ्रष्टाचार मुझ पर नहीं था। धन बल बाहुबल सब तरह के लोग इस चुनाव में हैं। धन बल का तो जनता जवाब देगी ना, धन बल से थोड़ी चुनाव होता है, यहाँ तो काम करने के पर चुनाव होता है। धन बल का जनता जवाब देगी, जनता मालिक है, जनता सबको जवाब देगी। कार्यकाल आप किस तरीके का, क्योंकि लोग इतना याद तो रखते नहीं हैं। लोग तो याद रखे हैं, तभी ना अभी जो आज़ादी के बाद इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ था, रोड एक भी नहीं बना था, जो कि हमारे आने के बाद शहर में रोड बना और गली में रोड बना और इस इलाके का शोधीकरण हुआ और पूरे शहर का शोधीकरण हुआ, उसके बाद 12 के बाद शोधीकरण बंद है, सब घोटाला हो रहा है। तो इस मुद्दे पर जनता हमको वोट देगी, हम पूरे विश्वास है कि जनता अपार बहुमत के साथ हमको इस बार मेयर पद पर बैठाएगी। लोगों से क्या अपील करना चाहते? लोगों से अपील करना चाहते हैं कि काम करने वाली अस्वस्थ छवि के आदमी सरिता देवी को इस बार मेयर प्रत्याशी को वोट मिलजुल कर दें और भारी बहुमत से इनको जिताने का काम करें। जनता से ही मैं अपील करता हूँ। क्या कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारा चुनाव चिन्ह मिला है जोड़ा हिरन छाप 22 नंबर पर है, फुल बहुमत से हमको जितवाने के काम करे लो। हम फुल बहुमत। एक बात बताइए, आप घरेलू महिला हैं, कामकाजी महिला, चुनाव में आकर कैसा लग रही है? चुनाव में आकर के हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको जनता की सेवा करने के मौका मिलेगा। अब मौका मिला है, हम सेवा करते रहती हूँ, हर में से जनता के बीच में रहती हूँ। आपके पति अवधेश जी पहले भी मेयर रह चुके हैं, तो क्या लगा कि इस बार महिला सीट होने के बाद कुछ नहीं? बहुत करूँगी। हमारा पति जो किए हैं ना, इससे मैं ज़्यादा करके दिखाऊँगी। चलिए।